वेलकम बैक टू माय ट्यूशन पेपर हैकर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो भी छात्र महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से हैं, तो आपके देख लीजिए, ये अपडेट है 2 मार्च की। तो 2 मार्च की अपडेट में आपको दिखाने वाला हूँ उसमें क्या है। तो जो अपडेट आई हुई है वो आप देख सकते हैं, जो बीटेक के स्टूडेंट है या फिर बी फार्मा कर रहे हैं या फिर बीएचएम कर रहे हैं या एम फार्मा कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं या फिर एमएससी कर रहे हैं, एमएससी के लिए छात्रों के लिए, और साथ ही साथ जो एमए कर रहे हैं या एम सी ए कर रहे हैं, ठीक है। तो जो विषम सेमेस्टर के स्टूडेंट है, विषम जैसे कि प्रथम हो गया, तृतीय हो गया, पांचवा हो गया और सातवां सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है, उनके क्या है परीक्षा फॉर्म, जो आपको पता होगा परीक्षा फॉर्म 2022, ठीक है, ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि कितनी थी, 2/3/2022 निर्धारित की गई थी कि आप 2 मार्च तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन उसकी डेट को अब अगले बढ़ा दिया गया है। अब आप देख सकते हैं कि जो यहाँ देखिए सिंपल बोला गया है, जो इसको उपलब्ध जो करा गए थे परीक्षा फॉर्म भरना, वो हो गए थे 23 फरवरी से। उसके बाद में अब उन्होंने क्या कर दिया है कि यहाँ बोला गया है कि छात्र द्वारा ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि अब कितनी कर दी गई है, 7 मार्च कर दी गई है। अब 7 मार्च तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वही बात की जाए, आपको शुल्क जमा करने की आवेदन संबंधित अंतिम तिथि है वो 8 मार्च कर दी गई है, 8/3/2022। और वही बात की जाए कि आपके जो आप कोई मान लीजिए आपने संबंधित कोई आपने जो फॉर्म फिल किया है, ठीक है, यूनिवर्सिटी फॉर्म या फिर परीक्षा फॉर्म जिसे बोला जाता है, यदि आपने वो फिल किया है और उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ गई है, गलती हो गई है, तो उसको सत्यापित करने की जो अंतिम तिथि है आप सत्यापन करा सकते हैं, वो 9 मार्च 2022 तक आप करा सकते हैं। तो ये थी अपडेट जो आज की मैंने आपको क्लियर बता दी। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन पूछ लेना बेटा। और ये आप आसानी से आपको लगभग में 5 दिन एक्स्ट्रा दे दिए गए, जिसका भी अभी तक फॉर्म फिल नहीं हुआ है तो फॉर्म फिल कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।